हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। नया अभी कल से शुरू होने वाला है। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। ये मुहूर्त डे का ट्रेडिंग है और ये है 3 तारीख का। तो जो हमने 3 तारीख को एनालिसिस किया था, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हमारा जो सेकेंड टारगेट का लेवल था, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक किया था। एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी और ये लेवल्स भी सही तरह से फिर से एक बार काम करते हुए नज़र आए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी नया वीक जो शुरू हो रहा है, मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट को देख लेंगे। वीक खत्म हो चुका है, नया वीक शुरू होने वाला है, तो वीकली चार्ट को भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर ट्रेंड देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, तो ये बुलिश ट्रेंड है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर कंटिन्यूस अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 वीक्स का ये जो रेड कैंडल देखे उसके बाद अभी ये छोटा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश हरामी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। ये सिग्नल दिया है, ऐसा पैटर्न बन सकता है, सिग्नल है कन्फर्मेशन के लिए। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाना होगा तो ये सिग्नल का कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो अभी डाउन ट्रेंड, 2 वीक के डाउन ट्रेंड के बाद ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, जिसने ये जो रेड कैंडल का बॉडी है इसने इसे पूरा कवर कर लिया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पर सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिग्नल है। तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच यहाँ पर करना ज़रूरी है। ट्रेंड अभी भी बुलिश है एज पर वीकली चार्ट। शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड आया था इसके बाद हमें डेली चार्ट पर यहाँ पर एक पीवट बार रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला था। ये डाउन ट्रेंड आया उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, जिसका हाई लो और क्लोज ने हमें ब्रेकआउट दे दिया था। तो हमने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में इसके बारे में बात की थी और पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे कि ऐसा पैटर्न आने के बाद क्या होता है। ऐसा पैटर्न आ गया था ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन ऊपर एक हर्डल था उसकी भी हमने बात की थी। ये जो 20 DMA का पिंक लाइन है वो हर्डल की हर्डल यहाँ पर काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं 3 दिन से लगातार ये यहाँ पर ऊपर जाते वक्त इसको यहाँ पर ये काफ़ी डिफिकल्टी यहाँ पर आ रही है। तो अभी हो सकता है मंडे के दिन ये एक फिर से एक बार 20 DMA के ऊपर ब्रेक करे। जब तक 20 DMA के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन नहीं हो पाता, तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। अगर RSI और प्राइस एक्शन को हम क्रॉस वेरीफाई करें तो RSI हमें पहले ही सिग्नल दे देते हैं कि यहाँ से भाई ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अभी जब ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है तो देखिए RSI कैसे पैटर्न बना रहा है। RSI यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो जब जब ऐसा राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन, राइजिंग W बनता है, तब तभी उसके बाद आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर हम पास्ट के कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैटर्न देखिए RSI का, और ये वाला पैटर्न देखिए, इसे मैं ब्लू में कर देता हूँ, ये वाला पैटर्न आप देखिए, ठीक है। तो RSI यहाँ पर देखिए W पैटर्न बना रहा है, ये ऊपर आया और फिर इसने एक बार फिर से राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या किस गजब से ऊपर हमें अपसाइड ट्रेंड आते हुए दिखाई दी है। ये देखिए यहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये पैटर्न्स जो होते हैं इनको ऑब्जर्व करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तभी हम अच्छे ट्रेंड को यहाँ पर क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिमिलर पैटर्न यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजिंग W और उसके बाद ज़बरदस्त अपसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक उसी तरह से W यहाँ पर बन रहा है, ये वाला W। तो इस तरह से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कन्फर्मेशन के लिए वेट करना ज़रूरी होता है। कन्फर्मेशन से पहले अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं तो हो सकता है हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। तो 20 DMA के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तब हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारी होगा। अब चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। फिर से एक बार ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। तो अभी
मंडे को अगर ये फिर से अगर 20 DMA को ब्रेक करता है टुवर्ड्स साउथ की तरफ, तो हमारा 17877 ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 17852, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, और सेकेंड टारगेट बनेगा 17828, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ आता है तो जो 3 तारीख का हमारा जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था 17965, ये हमारा बनेगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 17984 और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 18002, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अब ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 60 मिनट का। अभी यहाँ पर अगर ये जो 3 तारीख का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल बन रहा है आर्ली चार्ट में, जो कि 39406 के पास है, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा मंडे के लिए, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा 39297, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 39206, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर हर्डल देखिए 100 EMA है, उसके बाद 20 EMA है, उसके बाद 50 EMA है, तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो अगर मंडे के दिन थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग जाना रिस्की साबित हो सकता है, लेकिन अगर ये 39757 ये हमारा हो सकता है मंडे के लिए ब्रेकआउट लेवल 39757, और इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बन सकता है हमारा अराउंड 39832, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 39903, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के। वीडियो आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।